हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को वॉच करने वाले सारे फ्रेंड्स को मेरा तरफ से थैंक यू है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि ग्रुप फोटो जिसमें इस तरह का नीला पीला हरा या योलिस रेडिस कुछ भी टोन हो, इसी टाइप का फोटो को ग्रुप फोटो को हम लोग बहुत ही जल्दी कैसे करेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह का मैंने कुछ ग्रुप फोटो लिया जिसका कलर आपको दिख रहा है कि किस तरह से इसमें येलो और रेडिस भरे भरे हुए। तो इस तरह के फोटो को देखिए, आप स्किन में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, स्किन टोन देखिए, योलिस रेडिस सब भरे पड़े हुए हैं। इसको बहुत ही जल्दी कैसे ठीक किया जाता है, इसी को आज हम लोग सीखेंगे, और वो भी एकदम इजी प्रोसेस में आप कैसे काम कर सकते हो उसका ट्रिक्स आज हम बताएंगे। जो नया है फोटोशॉप के डिजाइन में उसको तो बहुत ही अच्छा लगेगा, जो फ्रेंड्स पुराना है बहुत दिन से काम करे, दो पाँच मिनट देख लीजिए, शायद आपका कुछ काम में आ जाइए। तो ये एक्शन नहीं है, एक्शन के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, अगर जिस फ्रेंड ने बैच करेक्शन एक्शन में कैसे किया जाता है ये चीज़ जानना चाहते हो तो मैं उस एक्शन का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, रेफरेंस के लिए आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे हम इस तरह के ग्रुप को हम बहुत ही जल्दी प्रोसेस में कैसे करेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट पे जाना है, और वहाँ पे आपको कार्व पे जाना है, इमेज एडजस्टमेंट कार्व, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल एम से भी आप ला सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है मेरे को, यहाँ पे जो डिफॉल्ट है इसको आप कर दीजिए कस्टम, कस्टम कर दिया। फिर आप यहाँ पे जो मेरा ब्लैक पॉइंट है, ये ब्लैक पॉइंट, ग्रे पॉइंट और व्हाइट पॉइंट, ये आपको ब्लैक पॉइंट पे क्लिक करना है, और इस फोटो का सबसे ज्यादा ब्लैक जहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे बाल पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए कुछ चार लाइन हो गए हैं, एक तो मिडिल में जो है ब्लैक कलर का, ये है मेरा आरजीबी, मतलब ओवरऑल सारे कलर का चेंज होगा। फिर इसके अंदर रेड ग्रीन और ब्लू है, और वही चीज यहाँ पे भी है, रेड ग्रीन और ब्लू, और ये आरजीबी। तो मैं यहाँ पे जो आरजीबी वाला है ये मेन काम करते हैं ब्राइटनेस सब, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको बढ़ा के ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, मेरे मोनिटर के हिसाब से, मेरे फोटो के हिसाब से इतना ब्राइटनेस ठीक ठाक है। आप आपके मॉनिटर की या आपके फोटो के हिसाब से आप ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा, मैंने बढ़ा लिया। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जाइए आप रेड पे जाइए, मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे रेड जो है इसको कम करना, तो यहाँ पे जो रेड लाइन आ गया तो इसको मैं इस तरह से कम कर देता हूँ। फिर आया ग्रीन, ग्रीन को आप थोड़ा सा पॉप अप कर दीजिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद आएगा आपका ब्लू, ब्लू को मेरे को बढ़ाना है क्योंकि रेड को कम करना है तो ब्लू को बढ़ाना है, तो इस तरह से मैं ब्लू को बढ़ाऊंगा। आप फोटो के ऊपर ध्यान दीजिए, देखिए किस तरह का फोटो का चमक आ रहा है। एक बार आप आफ्टर बिफोर दे सकते हो, यहाँ पे प्रीव्यू जो है इसको बंद करो, इस तरह का मेरा फोटो था, इस तरह का मेरा कनेक्शन आ गया। तो मेरे को लगता है ये फोटो मेरे हिसाब से करेक्ट है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे देखिए एकदम ये जो प्रीसेट कस्टम लिखा है इस बॉक्स के एकदम पास में देखिए यहाँ पे छोटा सा एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे सेव प्रीसेट लिखा हुआ है, उसके बाद लोड प्रीसेट, तो मेरे को सेव प्रीसेट करना है। सेव प्रीसेट जब भी करूँगा एक नया विंडो खुल जाएगा, तो मैं डेस्कटॉप में इसको सेव करता हूँ कलर बोल के, कलर बोल के मैंने यहाँ पे सेव किया, और इसको मैं, और यहाँ पे जो फॉर्मेट है और ACV वो ऑटोमेटिक रह जाएगा, कार्ब्स ACV, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। फिर इसको मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ, ओके भी कर सकता हूँ, मैं कैंसिल ही कर देता हूँ। अभी क्या करना है, अभी मेरे को करेक्शन कैसे फटाफट करना है, आप इमेज में जाओ, एडजस्टमेंट पे जाओ, और यहाँ पे कार्व, इसका शॉर्टकट कंट्रोल एम से भी ला सकते हो आप। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जो डिफॉल्ट है यहाँ पे जाओ आप, और यहाँ पे मैंने कलर बोल के सेव किया था, देखिए आ गया मेरा एकदम नीचे की तरफ से, कलर पे क्लिक करो, सेम प्रीसेट मैंने जो तैयार किया था वो आ गया। फिर आप इसको ओके करो, फिर आप इसको सेव कर दो, मैं फिलहाल इसको सेव नहीं कर रहा हूँ, फिर इसको मैं बंद करता हूँ क्योंकि पीछे सब का करेक्शन मेरे को दिखाना है। तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल एम शॉर्टकट में मार रहा हूँ, और यहाँ पे प्रीसेट में जाओ आप, और यहाँ से कलर देखिए इस तरह से आपका आ गया। अभी आप इसको प्रीसेट में देख सकते हो, यहाँ पे प्रीव्यू में किस तरह का कलर था, ये देखिए कहाँ गायब हो गया, आप देखिए इस तरह से आप कर सकते हो। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इस फोटो को भी देखिए कंट्रोल एम किया, यहाँ पे प्रीसेट जो है इसको हम कलर कर देते हैं, फिर ओके करता हूँ, फिर इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, देखिए किस तरह का टोन था और कैसे होगा, मैं थोड़ा अंडू करके दिखा देता हूँ, इस तरह का टोन था और ये टोन आ गया, शायद आपको दिख रहा है और आपको समझ में भी आ रहा है किस तरह का इसमें चेंजेस आया हुआ है। इसको मैं बंद करता हूँ,
पिछले वाला जो फोटो, इसके देखिए ग्रुप है बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इसके में भी वही कंट्रोल एम करता हूँ और यहाँ पे प्रीसेट में डिफॉल्ट जो है इसमें क्लिक करता हूँ। जाने के बाद यहाँ पे कलर, अगर यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ करना, मेरे को लग रहा है यहाँ पे कुछ और ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे कुछ और कुछ करना है, तो मैं यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा सकता हूँ, ब्राइटनेस कम कर सकता हूँ। अगर मेरे को लगता है यहाँ पे रेट थोड़ा और इंक्रीज करना, तो यहाँ पे जाके रेट में जाता हूँ, रेट को मैं इंक्रीज कर देता हूँ ऊपर की तरफ, तो मैं कर सकता हूँ, कुछ भी मैं एडिट कर सकता हूँ उसमें। अगर कम करना है तो कम कर सकता हूँ, मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। इस ग्रुप को देखिए, कीबोर्ड से कंट्रोल एम किया, यहाँ पे प्रीसेट में गया, कलर में गया, वही सेटिंग मेरा आ जाएगा। मेरे को ब्राइटनेस बढ़ाना है, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मेरे को लगता है इस तरह का ब्राइटनेस ठीक है, तो ठीक है, चलिए ओके करता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से सारे फोटो को आप इतनी जल्दी करेक्शन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप सारे फोटो को, जैसे इस फोटो को भी आप देख लीजिए, यहाँ पे एक फोटो है, कीबोर्ड सब कम कंट्रोल एम कीजिए और यहाँ पे जाइए प्रीसेट में, कलर में, देखिए इस तरह से करेक्शन हो जाएगा। देखिए प्रीव्यू से देख सकते हो कितना चेंजेस आया होगा, बहुत ही चेंजेस आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट काम कर सकते हो और करेक्शन, ग्रुप करेक्शन बहुत ही बढ़िया से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरा ये ट्रिक्स, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितना भी वीडियो अपलोड करता जाऊंगा वो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का ट्यूटोरियल इतना ही था, फिर मिलेंगे नया कुछ वीडियो, नया कुछ ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।